सभी को नमस्कार। हम अवलोकन वाला जो अध्याय है, जो चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अवलोकन का अर्थ, परिभाषा, अवलोकन की विशेषताएं, अवलोकन के प्रकार। अवलोकन के प्रकारों में हम अनियंत्रित अवलोकन के जो प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, इन प्रकारों पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अवलोकन का जो दूसरा स्वरूप है, जिसे हम नियंत्रित अवलोकन कहते हैं, उसके बारे में। नियंत्रित अवलोकन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम नियंत्रित अवलोकन कर सकते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। नियंत्रित अवलोकन से हम शुरू करते हैं, किसे हम नियंत्रित अवलोकन कहेंगे। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं, इसलिए इस विधि में तटस्थता एवं वैषयिकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को हम पूर्व नियोजित अवलोकन विधि, संरचित विधि या व्यवस्थित अवलोकन विधि भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन के ही नाम है ये भी। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक एवं जो शिशु गृह हैं, वहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों के अध्ययन के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्नांकित बातें स्पष्ट की जाती हैं। जब हम अवलोकन प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले ये सारी बातें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बिंदु अगर हम देखें या सबसे पहला जो तथ्य स्पष्ट होना चाहिए वह है अवलोकित की जाने वाली इकाइयों की स्पष्टतः परिभाषा। इसके अलावा अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव, अवलोकन की दशा, व्यक्ति, समय और स्थान का निर्धारण, सूचियों को लेखबद्ध करना, अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूची, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का निर्धारण करना, क्योंकि इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है। इसीलिए विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इस प्रकार से नियंत्रित अवलोकन में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं नियंत्रित अवलोकन के प्रकारों के बारे में। नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर, और दूसरा, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। अब हम देखें तो घटनाओं को किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन सरल नहीं है, इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या जो पंचायती राज है, इनके जो प्रभाव ग्रामीण समुदाय पर पड़ रहे हैं, उन प्रभावों को अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन, उत्पादकता एवं बालकों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण।
नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है, इसमें अवलोकनकर्ता घटना की बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर सकता है और स्वयं पर नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बचा जा सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा और फिल्म, ये कुछ यंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है। समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के महत्व को बताते हुए लिखा है, सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है, अतः अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहार पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में जो अंतर पाए जाते हैं। इन दोनों ही अवलोकन के स्वरूप को हम पढ़ चुके हैं, अब इनमें क्या क्या अंतर है उन अंतरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है, उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं किया जाता। दूसरा अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने से उसे एक सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह मुक्त एवं स्वाभाविक व्यवहार करता है। नेक्स्ट अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टेप, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है, जो कि अनियंत्रित अवलोकन में आवश्यक नहीं है। अगला अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता को एक सीमा में रहकर अध्ययन करना होता है, इसलिए वह गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन न होकर सीमित अध्ययन होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म होता है। इसमें वह गोपनीय तथ्यों को भी ज्ञात कर सकता है। अगला अंतर अगर हम देखें तो नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का ही अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन से संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है। नेक्स्ट अंतर है, नियंत्रित अवलोकन में कृत्रिमता एवं बनावटीपन आ जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनी रहती है। ये कुछ अंतर हैं जो नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में पाए जाते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अवलोकन का जो हमारा तीसरा स्वरूप है, जिसे हम सामूहिक अवलोकन कहते हैं, उस पर। सामूहिक अवलोकन किसे कहेंगे? अवलोकन की जो ये विधि है, इस विधि में जो अध्ययन कार्य है किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है, इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सामूहिक जो अवलोकन होता है यह नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। सूचनाओं का संकलन और उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो 1937 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु इसका प्रयोग किया गया। इसी प्रकार 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह एक खर्चीली विधि है, इसमें कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि किसी एक व्यक्ति की बजाय किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में कार्य का बंटवारा होने तथा घटना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य पक्षों का साथ साथ अध्ययन होने से उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि यह एक खर्चीली प्रणाली होने से सामान्यतः इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है,
क्योंकि खर्च अधिक मांग इस प्रणाली में खर्च जो होता है वह खर्च अधिक होता है, और खर्च अधिक होने के कारण या खर्चीली विधि होने के कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सामूहिक अवलोकन की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर, और इसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। अवलोकन में हमारे नेत्रों का ही अधिक प्रयोग होता है, किंतु आँख द्वारा देखी गई बातें सदैव प्रामाणिक नहीं होती, उनमें भी पक्षपात आने की संभावना रहती है। दूसरा है व्यवहार की कृत्रिमता। अवलोकन की विश्वसनीयता तभी समझी जानी चाहिए जब लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया गया हो, किंतु कई बार जब लोगों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है तो उसमें कृत्रिमता आ जाती है, स्वाभाविकता नहीं रहती और विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। तीसरा बिंदु है अवलोकन एवं निर्वचन। कई बार हम देखते हैं तो हमें जो हम देख रहे हैं वह कुछ और होता है, और जो उसका निर्वचन होता है वो निर्वचन हमारे पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम कुछ और कर देते हैं। इस प्रकार भी अवलोकन में अविश्वसनीयता आ जाती है। अगर इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें तो किसी फैक्ट्री के दरवाजे पर धुंधला सा अगर कोई वाक्य लिखा है और लोगों को ये कहा जाए कि आप इसे पढ़िए, तो अमूमन लोग ये कहेंगे कि जो वाक्य लिखा है वह है बिना इजाज़त अंदर आना मना है, क्योंकि फैक्ट्रियों के दरवाजे पर लगभग इसी प्रकार का वाक्य लिखा हुआ रहता है। इसी प्रकार यदि समुद्र में क्षितिज पर किसी काले बिंदु को दिखाकर यह पूछा जाए कि वह क्या है, तो प्राय उत्तर यह होगा कि वह एक जहाज़ है, जबकि वास्तव में वह काला बिंदु ही होता है। जहाज होने का निष्कर्ष उसने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कर दिया, क्योंकि हम समुद्र में हैं और समुद्र में आमतौर पर जहाज़ पाए जाते हैं, इसलिए उस काले बिंदु को भी हमने जहाज ही कह दिया। इसी प्रकार कई घरों के बाहर तख्ती लगी रहती है, उस पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान, उसको भी हम अगर इसके अलावा कुछ और भी लिखा है तो हम जब पढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे कि लिखा है कुत्ते से सावधान। ये हमारा पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव होता है जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल देते हैं। कोई भी वस्तु जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती है कोई न कोई अर्थ प्रकट करती है और हम उसे अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित कर लेते हैं। अगला बिंदु है निरीक्षणकर्ता का पक्षपात। यदि अवलोकनकर्ता किसी विशेष मत एवं विचारधारा को मानने वाला है तो उसका अवलोकन दोषपूर्ण हो सकता है, उसका निर्वचन भी उसके पक्षपात से प्रभावित होता है। यही कारण है कि एक ही घटना का निर्वचन विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है। व्यक्तित्व, संस्कृति, अनुभव, ये कुछ कारण हैं जो एक ही घटना का निर्वचन करने के लिए हमें अलग अलग जो स्वरूप हैं वो देते हैं। हम अपने देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, रुचि और विश्वास, इन सब से मुक्त होकर विशुद्ध वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कर सकते। इससे अध्ययन में प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की समस्या पैदा होती है। अगला हमारा बिंदु है घटना की अपर्याप्तता। कई बार निरीक्षण सही होने पर ही यदि घटनाएं अपूर्ण हैं और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है तो अवलोकन अविश्वसनीय हो सकता है। यदि निष्कर्ष थोड़ी सी घटनाओं को देखकर या किसी विशेष परिस्थिति में घटने वाली घटनाओं या आधी घटनाओं के आधार पर निकाला गया है तो भी वह दोषपूर्ण होता है। इस प्रकार से सामूहिक अवलोकन की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता के बारे में हमने चर्चा की। अवलोकन के तीन स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन, इन तीनों ही प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। इन तीनों के आगे और जो प्रकार दिए गए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन में क्या अंतर है, सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और सामूहिक अवलोकन किसे कहते हैं, किस प्रकार से सामूहिक अवलोकन को हम विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाए रख सकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।